भारत की बांग्लादेश पर जीत, हारते हारते जीती टीम इंडिया, विराट ने अय्यर को गले लगाया। भारत और बांग्लादेश के बीच खेली गई दो मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने 2-0 से जीत हासिल करने के साथ ही बांग्लादेश के खिलाफ क्लीन स्वीप कर दिया है। भारतीय टीम ने दूसरे मुकाबले में शानदार जीत हासिल करने के साथ ही 3 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया और भारत ने 2-0 से बांग्लादेश को सीरीज में मात दी। बात करें अगर मुकाबले की तो बांग्लादेश की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 227 रन बनाए, जिसके जवाब में टीम इंडिया ने 314 रन बनाए और टीम को एक लीड मिली। इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम दूसरी पारी में 231 रन ही बना सकी और भारत को 145 रन का टारगेट दिया। हालांकि भारत के लिए 145 रन का टारगेट छू पाना बड़ा मुश्किल होता हुआ दिखाई दिया। टीम इंडिया ने अपने विकेट लगातार खो दिए। भारत के लिए शुभमन गिल, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली जैसे प्लेयर लगातार अपने विकेट गवा बैठे और भारतीय टीम मुश्किल में नजर आने लगी। अक्षर पटेल ने 34 रन की पारी जरूर खेली लेकिन टीम के लिए जीत वो भी नहीं दिला पाए। इसके बाद जयदेव मुनातकट भी बल्लेबाजी करने उतरे, 13 रन ही बना पाए। ऋषभ पंत भी अपने बल्ले से केवल 9 रन का योगदान दे पाए और भारतीय टीम ने अपने शुरुआती 5 बल्लेबाजों को केवल 56 रन पर खोया और इसके बाद 74 रन पर भारतीय टीम का स्कोर 7 विकेट हो गया और भारतीय टीम को अभी भी जीत के लिए 71 रनों की जरूरत थी। बहरहाल इस दौरान टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन। अश्विन और श्रेयस अय्यर ने भारतीय टीम के लिए जिताऊ नबाद पारी खेली और दोनों ने एक मजबूत साझेदारी करने के साथ ही टीम इंडिया को जीत दिलाई। इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने 29 रनों की नबाद पारी खेली, वहीं रविचंद्रन अश्विन ने 42 रन का योगदान भारतीय टीम की जीत में दिया और दोनों ने मिलकर के भारत को आखिरकार जीत दिलाई। जिस वक्त भारतीय टीम मुश्किल में नजर आ रही थी, मुकाबला हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा था, उस वक्त श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन ने मिलकर भारतीय टीम की पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी करने के साथ टीम को जीत दिला दी। श्रेयस अय्यर की इस स्लो और समझदारी वाली पारी के बाद जब टीम इंडिया की टीम उनसे जीत के बाद मिलने पहुंची तब पूर्व कप्तान विराट कोहली ने श्रेयस अय्यर को गले लगाया और उनकी इस पारी के लिए उन्हें बधाई दी। इसके बाद राहुल द्रविड़ जो टीम इंडिया के हेड कोच हैं उन्होंने भी श्रेयस अय्यर को गले लगाया और उन्हें शाबाशी दी। रविचंद्रन अश्विन जिन्होंने इस मुकाबले में 42 रन की नबाद पारी खेली उन्हें भी पूर्व कप्तान विराट कोहली ने गले लगाया। राहुल द्रविड़ ने उन्हें इस पारी के लिए बधाइयां दी और जीत में दिए गए इस योगदान के लिए अश्विन की सराहना की। बता दें कि यह तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें आर अश्विन को राहुल द्रविड़ और साथ ही विराट कोहली श्रेयस अय्यर को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तेजी से फैन इस तस्वीर की तारीफ कर रहे हैं और श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी की भी तारीफ हो रही है। आपकी जो कुछ राय है इस तस्वीर को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स की अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।